मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं बात का निर्माण करूंगी। जय हिंद। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, फिजिक्स में ये टॉपिक है हमारा आज। कल हम लोग पढ़ लिए थे हीट किसे कहते हैं और जो है आपका ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है। हमने टेम्परेचर को निकालने के लिए जो है उसके पैमाने भी देखे थे, सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा सा उसी में आगे पढ़ेंगे कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। एक्चुअली ऊष्मा का संचरण ही तो ऊष्मा है। मैंने बताया ऊष्मा क्या है, जब जो है ताप में भिन्नता होती है तो उसमें ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी होती है, वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, गतिशील होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही क्या है, स्थानांतरण है या जो है संचरण है। तो ऊष्मा का संचरण जो है, ऊष्मा की परिभाषा तो हमने बता दी थी। ऊष्मा मतलब जो कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ की गर्माहट और ठंडापन, यही क्या जो है निश्चित करता है ऊष्मा को। भाई दो वस्तुएं हैं, दो पदार्थ हैं। अब एक पदार्थ का तापमान ज्यादा होगा, एक पदार्थ का तापमान कम होगा, और जब हम छुएंगे तो एक जो कम गर्म है वो अपेक्षाकृत ठंडा होगा, और जो गर्म है वो गर्म उसके अपेक्षा गर्म होगा। तो यहाँ पर यानी कि हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो ऊष्मा एक्चुअली क्या है, दो पदार्थों में निहित ताप का ही माप है। ऊष्मा क्या है, दो पदार्थों में निहित ताप का माप है, जो तापमान है। और तापमान क्या है, ये पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं, ठीक है। इन अणुओं में जब ताप उत्पन्न होता है, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जब उसमें टेम्परेचर पहुंचता है, ताप पहुंचता है, ऊष्मा पहुंचती है, तो उसके अणु क्या करने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। गतिशील हो जाते हैं अणु। तो गतिशील अणु ही जो है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा, गतिशील अणु में कौन सी ऊर्जा होती, काइनेटिक एनर्जी होती, गतिशील ऊर्जा होती है। तो यही गतिशील ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, वही ऊष्मा होती है, ठीक। तो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण, इसकी तीन विधियां हैं। ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, तीन विधियां हैं। ऊष्मा के संचरण की तीन विधियां हैं, ठीक है, तीन विधियां हैं। कौन कौन सी विधि होती है, एक आपका होता है चालन विधि। एक कौन सी विधि होती है, चालन विधि, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, चालन विधि या कंडक्शन। दूसरी विधि कहते हैं संवहन विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है, संवहन विधि, कन्वेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। तीसरी विधि होती है विकिरण विधि। तीसरी विधि होती है विकिरण, या इसको रेडिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक। तो तीन विधि से जो है किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है, तीन विधियों से। कौन कौन सी विधि है, चालन विधि। भाई नाम ही है चालन, मतलब चलना, चालन मतलब ऊष्मा का जो है चलना, बहना, ऊष्मा का प्रवाह होना, चलना बहना। और संवहन, ये मतलब जो है ऊष्मा को लेकर के चलना, संवहन मतलब साथ में लेकर के चलना, साथ में लेकर के चलना। ऊष्मा में ऊष्मा चलेगी आगे, लेकिन संवहन में कणों के साथ ऊष्मा चलती है, कणों के साथ में ऊष्मा चलती है। और विकिरण में कुछ नहीं होता है, उसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं जो ऊष्मा को लेकर के चलती हैं। अर्थात चालन और संवहन के लिए माध्यम जरूरी है, चालन और संवहन के लिए माध्यम जरूरी है। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम, लेकिन चालन के लिए ठोस माध्यम, चालन किसमें होगा, ठोस माध्यम में होगा। चालन किसमें होगा, तो ठोस माध्यम में होगा, और संवहन तरल माध्यम में होगा या गैस माध्यम में होगा, ठीक। और विकिरण बिना माध्यम का ही हो जाएगा। जैसे सूर्य से ऊर्जा आ रही है, सूर्य से जो है आपकी ऊष्मा आ रही है, तो वो किस रूप में आ रही है, विकिरण के रूप में आ रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारे यहाँ तक आती है। तो इनको हम लोग बारी बारी से एक एक करके चाल समझते हैं, चालन को, संवहन को और विकिरण को, ठीक। अब जैसे चालन को समझने के लिए, जैसे एक हम यहाँ पर, या इन तीनों को एक साथ समझने के लिए एक हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक जो है आपका चूल्हा है, ये क्या है, चूल्हा है, ठीक। ये हो गया आपका
चूल्हा, गैस चूल्हा, कुछ भी चूल्हा मान सकते हो, इसमें लगी है आग, ये बर्नर है, आग लगी है, जल रहा है। इसके ऊपर जो है एक केतली रखी है, मम्मी ने पानी रख दिया गर्म करने के लिए क्योंकि बाबू नहाने जाएगा, ठंडी है, ठीक। मम्मी ने रख दी यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए, ठीक, जो है एक फ्राई पैन में। अब पानी इसमें भरा हुआ है, लबालब पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। अब पानी जो है गर्म होगा तो इसमें नीचे से गर्म होगा ना, नीचे से गर्म होगा तो नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर उठेगा, नीचे का गर्म पानी ऊपर उठेगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे बैठेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे बैठेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे बैठेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है, तो एक धारा उत्पन्न हो गई जिसको बोलते हैं संवहनीय धारा। कौन सी धारा बोलते हैं? संवहनीय। तो पानी कौन से विधि से गर्म हो रही है? संवहन विधि से, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूल्हा जो है ये गर्म कर रहा है, भाई ऐसा तो नहीं खाली पानी गर्म होगा, बर्तन भी तो गर्म होगा, बर्तन भी तो गर्म होगा, ऐसा तो नहीं खाली पानी गर्म हो रहा है। अब तुम पानी मुंगली डालोगे तो जलोगे, बर्तन को छू लो वो भी तो जलेगा। तो अब यहाँ पर हैंडल मान लो, यहाँ पर वो प्लास्टिक का वो लगा होता है पकड़ने का, लेकिन वो टूट गया है भाई धीरे, वो क्या हो गया है, टूट गया है। तो अब जब पानी खूब खौलने लगेगा तो उसको अगर पकड़ेंगे बिना जो है कपड़ा लगाए तो वो भी तो जलने लगेगा, हैंडल भी तो जलने लगेगा, ठीक है। तो हैंडल जो जल रहा है ये कौन सी विधि से, यहाँ ये पूरा पात्र, पूरा बर्तन और हैंडल तक जल गर्म हो गया, तो ये कौन सी विधि से गर्म हुआ? चालन विधि से। ये कौन सी विधि से गर्म हुआ? चालन विधि। पानी गर्म हुआ संवहन विधि से, पानी गर्म हुआ संवहन विधि से। अब यहाँ पर भैया तुम सर्दी है, छुटकू आ जाएगा, इसे हाथ सेकेगा, छुटकू आ जाएगा इसी आग के सामने, हाथ लगा लेगा ऐसे ही। अब वहां पर तो कोई माध्यम है नहीं, फिर भी उसका हाथ गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है। तो यहाँ से एक अदृश्य तरंगे चलती है, इस लाइट से अदृश्य तरंगे चलती है, इस प्रकार मतलब इस जो आपकी फ्लेम जल रही है, ज्वाला जल रही है, तो ये कौन सी तरंग है? विकिरण। तो ये विकिरण तरंग से छुटकुआ का हाथ क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, आ जाओ। तो ये तीनों जो है, तीनों विधि हम इस पानी गर्म करने के प्रक्रिया में देख सकते हैं। आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, हुल्लड़ बुल्लड़ नहीं। तो ये तीनों विधि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो पूरा बर्तन गर्म हुआ हैंडल तक गर्म हुआ वो चालन विधि से गर्म हो गया, और पानी जो गर्म हुआ संवहन विधि से गर्म हुआ, और जो वहाँ पर हमने हाथ सेका जा करके तो विकिरण से सेका। धूप में सेकते ना अगर उष्मा लेते हैं तो विकिरण से तो आ रहा है, सूर्य के विकिरण से ही तो आ रहा है। तो ये तीनों जो है हमने तीनों विधि यहाँ पर जो है देखा। अब इनको हम बारी बारी से जो है अलग अलग इनका हम अध्ययन करते हैं। अब ये चालन होता कैसे है? तो चालन किसी किसमें होगा? पहली बात तो ध्यान रखो, किसी ठोस में होगा। चालन किसमें होगा? ठोस माध्यम में होगा। जो पदार्थ होते हैं तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो चालन किसमें होगा? ठोस में होगा। अब मान लो यहाँ पर हमने ले लिया लोहे की एक रॉड, लोहे की क्या ले ली? एक रॉड ले ली, ठीक है। और इस लोहे की रॉड को हमने गर्म करना शुरू किया। यहाँ पर हमने एक जो है लकड़ी जलाई इस तरीके से, और यहाँ पर फ्लेम निकला, ठीक है। और ये लकड़ी होने लगी, ये लोहा होने लगा गर्म, लोहा होने लगा गर्म। अब मैंने बताया है कि जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ का निर्माण अणुओं से होता है। किससे होता है? अणुओं से होता है। तो पदार्थ में इसमें अणु जो होते हैं वो आपस में, जो ठोस पदार्थ होते हैं आपस में चिपके होते हैं, अणु जो होते हैं आपस में चिपके होते हैं इस तरीके से, महीन महीन अणु होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? चिपके होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है। जब बहुत कायदे से जूम करेंगे तब हमको दिखेगा, बहुत माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से देख सकते हैं। तो ये अणु आपस में चिपके होते हैं। अब यहाँ से हमने हीट करना शुरू किया तो पहले ये वाला अणु जो इसके पास नज़दीक है वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। वो अणु उसके पास में गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के थर थर नाचने लगेगा, कांपने लगेगा। उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? जो है कंपन। इस अणु में क्या उत्पन्न होगा? कंपन। अब ये चलेगा नहीं, कांपेगा खाली वहीं पर, गर्म हो गया, नाचने लगा, कह बढ़िया मौज आ गए यहाँ तो, हम गर्म हो गए, तो यहाँ पर कंपन करने लगेगा। अब कांपते कांपते हिलते हिलते जो है बगल वाले कहेगा ले तू भी गर्मी ले, तो बगल वाले को भी थोड़ी सी ऊष्मा दे देगा। थोड़ी सी ऊष्मा किसको दे देगा? बगल वाले को। अब यहाँ तो लगातार हम जलाए हुए हैं ना, तो ऐसे कांपते कांपते थरथराते थरथराते एक दूसरे को गर्मी देते चले जाएंगे, ऊष्मा प्रदान करते चले जाएंगे। और जब तक यहाँ आखिरी इस छोर तक, मतलब इस छोर से शुरू किया और ये छोर तक जब तक गर्मी नहीं पहुंच जाएगी तब तक पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी।
और आग अभी जल ही रही है, तो ये पूरी मतलब अब ये रॉड को जो हम थर्मामीटर से मापेंगे तो टेम्परेचर दोनों जगह बराबर हो जाएगा। अभी पहले शुरुआत की थी तो यहाँ तो हम पकड़ करके उठा सकते थे इसको, लेकिन जब पूरी रॉड गर्म हो गई तो पूरे रॉड को हम बिना किसी उसके उठा नहीं सकते, गर्म हो गया। तो ये गर्म किस तरीके से हुआ, अणुओं की सहायता से। अणुओं में क्या उत्पन्न हुआ, कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। जब हमने उनको गर्म किया लोहे के रॉड को, तो उसमें जो अणु थे महीन महीन वो क्या हुए, गर्म हो गए, और गर्म होकर के उनमें क्या उत्पन्न हो गया, कंपन उत्पन्न हो गया, और वो कंपन जो था वो एक दूसरे अणुओं को जो है, अब जो थोड़ा बहुत गैप भी था अणुओं में तो ऐसे ऐसे कांप रहे तो बगल वाला भी उसी में धक्का खा रहा है, तो वो भी जो है गर्म हो गया। अब वो जो है अपनी गर्मी बगल वाले को ट्रांसफर करता चला गया। तो इस तरीके से गर्मी, ये ऊष्मा जो है पूरे रॉड में पहुंच गई, तो ये विधि कहलाती है चालन। अब इसमें देखो कहीं कोई चला तो नहीं, लेकिन ऊष्मा चली गई, कहीं चला नहीं, पूरे रॉड में ऊष्मा चली गई। तो इसमें जो है गति नहीं होती है, यानी कणों में गति नहीं होती, इसमें कणों में गति नहीं होती है, बल्कि कण जो है नाचते नाचते अपने स्थान पर झूमते झूमते गर्मी देते चले जाते हैं दूसरे जो है कणों को। तो कंपन विधि से, इसमें कंपन विधि से क्या होता है, एक पूरी रॉड जो है गर्म हो जाती है। अब से ये तो लोहे की रॉड की मैंने बात की है, ऐसे जो है तमाम ऐसे जो है धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चालन विधि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो दो तरीके के जो है चालक होते हैं, एक सुचालक होता है, एक क्या होता है, सुचालक होता है, और एक होता है कुचालक, एक होता है कुचालक। तो जितने भी धातुएं हैं वो सब क्या है, सुचालक है। जितने भी धातुएं हैं जे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या है, सुचालक है, ठीक। चांदी बिजली का भी सबसे बढ़िया सुचालक है, और जो है ऊष्मा का भी सबसे बढ़िया सुचालक है। चांदी की रॉड गर्म करोगे तो तुरंत जो है दूसरे सिरे पे जो है हीट पहुंच जाएगी। कॉपर का थोड़ा सा उससे कम है, चांदी ज़्यादा है, फिर उसके बाद कॉपर है, ठीक है। तो इस क्रम में फिर उसके बाद में और भी चीज़ें आती हैं, फिर लोहा आता है। तो इस तरीके से इनकी चालकता होती है। तो ये सुचालक, जिसमें ऊष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कर जाए, तो उसे बोलते हैं सुचालक। और जिसमें ऊष्मा आगे बढ़े ही ना और जो है एक ही स्थान पर रहे, तो उसे कुचालक बोलते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है, कुचालक है। रबड़ को आप हीट करोगे तो वो जलने लगेगा, आग लग जाएगी, जलेगा, लेकिन दूसरा सिरा थोड़े नहीं गर्म होगा। तभी तो रबड़ का हम हैंडल लगाते हैं किसी पात मतलब बर्तन को पकड़ने के लिए, क्योंकि रबड़ क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। उसमें ऊष्मा नहीं जो है उसकी कण ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं ऊर्जा को, तो वो कुचालक। उसमें कई अणु डांस नहीं करेंगे, थिरकेंगे नहीं, गर्म करते रहो तो जल करके वहीं स्वाहा हो जाएंगे, जल करके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो जो क्या नाम है, मेटल्स हैं, धातुएं हैं, इनके अणु क्या करते हैं, नाचने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और नाचते नाचते सबको नचाने लगते हैं, सब नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, तो पूरा गर्म हो जाता है। सुचालक में ये व्यवस्था होती है, लेकिन कुचालक में ये व्यवस्था नहीं होती है। तो ये लकड़ी और प्लास्टिक इसके क्या है, जो है उदाहरण है कुचालक हो, ठीक। तो चालन से समझ गए, चालन ठोस में होगा, चालन किस में होगा, ठोस में होगा, और जो है इसमें अणु जो है कंपन करते हैं और एक दूसरे को हीट देते चले जाते हैं। अब जब इसी ठोस को अगर हम मान लो इसी लोहे की छड़ को खूब गर्मी दे रहे हैं, खूब गर्मी दे रहे हैं, और एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाता है कि लोहा क्या हो जाए, पिघल जाए, लोहा पिघल जाए, तो द्रव बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, तरल बन जाएगा। अब जब तरल बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, तो उसमें जो अणु जो थिरक रहे थे वो बहेंगे, अणु अब क्या करेंगे, बहेंगे, थिरकना बंद कर देंगे और साथ में बहना शुरू कर देंगे, कंपन के साथ में वो बहना शुरू कर देंगे। तो चाहे इसी ठोस, यही ठोस जब पिघल गया, द्रव बन गया, तो वहां पर अब कौन सी तरंगे उत्पन्न होंगी, संवहनीय तरंगे, ठीक है। तो उसी ठोस को गर्म करके जब द्रव बना दोगे तो वहां भी संवहन तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी के उदाहरण से समझेंगे कि किस तरीके से संवहन तरंगे उत्पन्न होती हैं, संवहन में क्या होता है। देखिए जो द्रव होता है, इस तरीके से मान लो एक पात्र में हमने द्रव भर दिया, ठीक है। द्रव में जो अणु होते हैं वो इतने पास पास नहीं होते हैं, द्रव में अणु जो होते हैं इतने पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, द्रव में अणु दूर दूर होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो है भट्टी लगाई और इसको जला दिया, ठीक है, गर्म करने शुरू कर दिया इसको, पानी को। तो पानी जब गर्म होगा तो इसके एक अणु गर्म होगा, इसका एक अणु गर्म होगा। अब दूसरा अणु तो दूर बैठा है, लेकिन वो कहेगा भैया हमें तो गर्मी मिल गई है,
हमको तो जो है नचा दिया गर्मा करके, तो वो कहेगा अब हम भागेंगे आगे, तुमको भी गर्मी देंगे। तो इसका अणु क्या करेगा, ऊपर वाले अणु को आकर के गर्मी देगा, उसको छुएगा। वो खेलते नहीं खो खो खेलते हैं, तो खो खो खेलेगा, कहेगा खो ले तू भी गर्मी ले, तो उसको खो देगा वो उसको गर्मी देगा। ये उठेगा भागेगा कह ले खो, उसको गर्मी देगा, और ये उठेगा इसको खो देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अणु क्या कर रहे हैं, भागम भाग खेल रहे हैं, दौड़ा भागी खेल रहे हैं। तो अणु जो है एक दूसरे को क्या करते चले जा रहे हैं, गर्म करते चले जा रहे हैं। तो हमने चालन में देखा था वहां पर अणु भाग नहीं रहे थे बल्कि अपने स्थान पर डांसिंग करते हुए कंपन करते हुए गर्म कर रहे थे, यहाँ पर अणु ही खुद क्या करने लगे, भागने लगे। तो ये अणु अब भागते भागते यानी ये हीट हुआ, फिर अपने ऊपर वाले हिस्से को हीट करेगा, और इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो ठंडा था वो नीचे बैठेगा। ऊपर वाला हिस्सा भाई यहाँ से पानी जो गया तो यहाँ स्थान खाली होगा ना, तो इस स्थान को भरने के लिए ऊपर का जो ठंडा पानी वो नीचे बैठेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे बैठेगा। तो एक चक्र बन जाएगा, एक धारा बन जाएगी, पानी के अंदर ही क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। तो इसी धारा को बोलते हैं संवहनीय धारा। इसी धारा को क्या बोलते हैं, संवहनीय धारा। तो इस संवहनीय धारा से ही जल द्रव क्या होता है, गर्म होता है। अर्थात यहाँ पर अणु जो है वो एक दूसरे को चल चल करके खो खो खेल खेल करके गर्म कर रहे हैं, तो इसलिए ये संवहनीय धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये संवहनीय धारा हमारे प्रकृति में भी देखने को मिलती है, हमारे प्रकृति में भी देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, पृथ्वी है हमारी, और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे यहाँ पर सूर्य जो है हमेशा कंटिन्यू चमकता है, हमेशा मतलब रात होती है लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर पहुँचती हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारा बीच से क्या है, बल्ज है, उभरा हुआ है। ठीक, तो बीच वाला हिस्सा जो उभरा है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया से गर्मी पहुँचती है, तो जब बढ़िया से गर्मी पहुँचती तो यहाँ की जो जल बॉडी है, यहाँ की जल बॉडी है वो खूब बढ़िया गर्म हो जाते हैं। जल बॉडी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब गर्म होकर के यहाँ पर जो है संवहनीय तरंगे उठती हैं, इस जल बॉडी से क्या होता है, संवहनीय तरंगे उठती हैं और ऊपर वायुमंडल में चली जाती हैं। संवहनीय तरंगे ऊपर वायुमंडल में चली जाती हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, और तापमान घटता है तो संवहनीय धाराएं वहां जा करके क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं और बादल बन जाती हैं। और बादल बन करके अगर उसमें आर्द्रता ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसमें जो है आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा हो गई, मतलब बादल उसमें भी पानी जो नमी जा रही संवहन के रूप में, वो नमी वायुमंडल में पहुंची, बादल बन गया, और बादल के पास कितनी नमी पहुंचेगी, एक क्षमता तो होगी ना पहुंचने की, तो जो मतलब उसकी क्षमता जब पूरी हो जाती है, जो उसकी सीमांत जो मतलब बादल बनने की सीमांत आर्द्रता है वो खत्म हो जाती है, बस वो बादल क्या हो जाते हैं, टपक पड़ते हैं नीचे, वर्षा हो जाती है। तो विषुवत रेखा पर जो वर्षा होती है संवहनीय धाराओं के कारण होती है, किसके कारण होती है, संवहनीय धाराओं के कारण होती है। इसी प्रकार से संवहन का हम कई जगह पृथ्वी पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर तटीय रेखा है, ये भारत है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, दिन के समय धूप निकली हुई है, ठीक है, धूप निकली हुई है। अब बताओ पानी जल्दी गर्म होगा कि स्थल जल्दी गर्म होगा, स्थल जल्दी गर्म होगा, क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए ये चक्कर लगाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी नीचे का गर्म होगा, अर्थात ऊपर से हो रहा तो ऊपर का गर्म होगा, गर्म होगा फिर वो ठंडी धारा नीचे से ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे, तो इस तरीके से काफ़ी लंबा चक्र चलेगा, तब पानी पूरा गर्म हो पाएगा। लेकिन धरातल पे क्या है, चट्टान वगैरह है, पत्थर वगैरह है, तो ये आसानी से किस विधि से, चालन विधि से गर्म हो जाते हैं, आसानी से चालन विधि से गर्म। भाई पानी खौलाने के लिए हमने अंगीठी पे पतीली रखा तो पानी तो बाद में खौलेगा, पहले तो हमारा क्या गर्म हो जाएगा, पतीली गर्म हो जाएगा, क्यों, पतीली चालन से गर्म हो रहा है जल्दी, क्योंकि कम ऊष्मा से। अब यहाँ पर ऊष्मा की बात है, हीट की बात है, ये हीट बढ़ता जाएगा चालन में, कम ताप से ही जो है पदार्थ गर्म हो जाएगा, और संवहन में उससे ज़्यादा ताप चाहिए तब जो है संवहनीय धाराएं बनेंगी, विकिरण अभी और ज़्यादा ताप चाहिए उसके लिए। हमने वहाँ जब स्टोव जलाया था तो सीधे बर्नर जहाँ से लौ निकल रही थी वहाँ पर हमको ऊष्मा मिल रही थी, वहाँ से ऊष्मा मिल रही थी, तो वहाँ से विकिरण, यानी विकिरण के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है धरती स्थल जल्दी गर्म हो गया। अब स्थल जल्दी गर्म हो गया तो यहाँ पर जो है हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, और इस स्थान को भरने के लिए समुद्र से जो है ठंडी हवाएं आएंगी और यहाँ पर गर्म होकर के ऊपर उठती जाएंगी। तो ये एक चक्र बन जाएगा इस तरीके से संवहनीय धाराओं का। तो ये समुद्र के किनारे मतलब समुद्र के सहारे चलती हैं, तट के सहारे समुद्र से चलती हैं, समुद्र समीर कहलाती हैं। तो ये सब लोग भूगोल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, संवहनीय धाराओं का।
तो सम्मानीय धारा फिजिक्स की ही टॉपिक नहीं है, सब भूगोल में ही पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले थोड़े नहीं कहेंगे हमारी टॉपिक है सिर्फ हम ही पढ़ेंगे, अरे भूगोल वाले ही कहते हैं हम ही पढ़ेंगे, सब पढ़ते हैं ठीक। तो इस तरीके से ये जो है संवहन के माध्यम से ये पानी जो है द्रव जो है गर्म होता है। तो यहाँ पर एक बात ही निकल करके आती है कि संवहन में जो पदार्थ है जो द्रव है वो किस तरीके से गर्म होता है, कणों के भागने से, कणों के विचरण से, कण यहाँ पर चलते हैं और चालन में कण चलते नहीं है बल्कि वो थिरक थिरक करके एक दूसरे को गर्म करते जाते हैं। जैसे मतलब ये आप लोग पता नहीं खेले हो कि नहीं खेले हो, हम लोग हमारे यहाँ ईंट की पथाई होती थी पहले गांव, मतलब गांव में थे तो ईंट ऊंट भट्ठा उट्ठा लगता था हमारे यहाँ, मतलब खपड़े का, तो ईंट ऊंट बनाई जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे थे तो जब ईंट सूख जाती थी उसका चट्टा बना करके खड़ा करते थे तो उसमें खेलते थे, ईंट को खड़ा कर दिए ऐसे 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 ऐसे, फिर एक ईंट इधर से धक्का मारे तो सारी ईंट खड़खड़ा करके गिरती चली जाती थी, मज़ा आता था ठीक। उस समय मोबाइल था नहीं तो बनाते वीडियो वीडियो तो दिखाते उसका। तो यहाँ पर ईंट चले नहीं लेकिन सभी ईंटों को क्या कर दिया, गिरा दिया एक दूसरे को डिस्टर्ब करके। तो ऐसे ही चालन विधि में एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए थिरकते हुए जो है पूरे रॉड को, पूरे धातु को क्या कर देते हैं, ठोस पदार्थ को गर्म कर देते हैं। और संवहन में यहाँ पर कण ही क्या करते हैं, चलते हैं, क्योंकि कण क्या है, दूर दूर है। और ये द्रव के साथ साथ गैसों में भी देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने बताया संवहनी तरंगों से वर्षा होती है। तो ये पानी गर्म होकर के वायुमंडल में गया, गैसों को गर्म किया और गैस गर्म हो गए तो जो है बादल बन गए वहाँ जा करके। तो इस तरीके से जो है ये संवहनीय विधि जो है संवहन विधि ये द्रव के साथ साथ गैस में भी कारगर होता है, तो ये चीज़ याद रखना ठीक। अब हम लोग विकिरण को समझेंगे, रेडिएशन को समझेंगे। रेडिएशन के लिए किसी पदार्थ को ज़्यादा हीट करने की आवश्यकता है, ज़्यादा उसमें ऊष्मा चाहिए तब वो विकिरण तरंगे उत्पन्न करेगा, विद्युत जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए सूर्य सबसे अच्छा उदाहरण है, सूर्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए इसके लिए, माध्यम हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है। हम यहाँ पर पृथ्वी पर रह रहे हैं, अब सूर्य से जो विकिरण आती है उसको बोलते हैं सौर विकिरण, सूर्य से जो विकिरण आती है उसको क्या बोलते हैं, सौर विकिरण या सौर विकिरण ठीक, सोलर रेडिएशन। सो क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। सूर्य के पास अनंत तापमान है, जो बाहर से ऊर्जा आती है 1500 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान होता है, अंदर तो 3-4 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और ज़्यादा ही होता है ठीक। तो वहाँ से टेम्परेचर उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हमारी पृथ्वी तक आती हैं। अब यहाँ रास्ते में जो है कोई माध्यम तो मिलेगा नहीं, वहाँ से चला भाई निर्वात है ये, तो जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं किरणें तो इनको क्या मिलता है, माध्यम। और वायुमंडल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर है, 1000-2000 किलोमीटर, उसके बाद वायुमंडल तो है ही नहीं, उसके बाद तो फिर जो है ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, 5-6 हज़ार किलोमीटर के बाद तो ब्रह्मांड ही शुरू हो जाता है ठीक। तो इसके बाद ये ब्रह्मांड में सब निर्वात है, कुछ नहीं है। तो वहाँ से सौर विकिरण चलती हुई आती हैं और माध्यम में प्रवेश करती हैं वायुमंडल में, तब इनको माध्यम मिलता है। तो यहाँ पर विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं जो जलवायु विज्ञान का कांड है, जलवायु विज्ञान में वो पढ़ा जाएगा, मतलब जो जैसे हम लोग उसमें पढ़ते नहीं रामायण में फलाना कांड ढमाका कांड, तो जलवायु विज्ञान कांड है जो भूगोल का विषय है तो वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो विकिरण है सूर्य से आने वाला विकिरण या कोई भी विकिरण, उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं, या अर्थात बिना ठोस द्रव गैस के वो क्या कर जाते हैं जो है तरंगे चलती हैं और उनसे हमको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ताप मिलता है। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा सूर्य है, सौर विकिरण है। तो रेडिएशन में क्या चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा ताप चाहिए, तभी जो है उसमें से रेडिएशन उत्पन्न होगा, तभी से उसमें से विकिरण उत्पन्न होगा। दिन के समय में तो हमारा जो है हमारे सूर्य से आने वाले रेडिएशन विकिरण जो है वो पृथ्वी को गर्म करती है, और रात के समय जब सूर्य छिप जाता है तो हमारी पृथ्वी जो है वो भौमिक विकिरण उत्पन्न करता है, यानी यहाँ से गर्मी बाहर निकलती है। और पूरी रात जो है सूर्य नहीं रहता है इसलिए पूरी रात हमारी पृथ्वी ठंडी होती रहती है, और सुबह होते होते चद्दर लपेटना पड़ता है, ओढ़ना पड़ता है ना, देखा होगा 4 बजे के समय में गर्मी में भी हमको ठंडी लगने लगती है। तो उसका कारण यही है कि पृथ्वी से जो गर्मी थी वो बाहर निकल गई और जो है हमको ठंडी लगने लगती है ठीक। तो इस तरीके से रेडिएशन विधि है, रेडिएशन विधि से हमारा जो वायुमंडल है वो हमारे वायुमंडल में हमारी पृथ्वी पर सूर्य के माध्यम से ऊष्मा आती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस विधि की सहायता से किस तरीके से हमारा थर्मस फ्लास्क, यानी कि जो थर्मस है जिसमें हम लोग पानी गर्म और ठंडा रखते हैं, दोनों चीज़ें, ठंडियों में हम लोग गर्म पानी ले जाते हैं, गर्मियों में उसमें ठंडा पानी लाते हैं, फ्रिज से निकाल करके चिल्ड वाटर ले आते हैं, कोई बहुत लोग बर्फ़ ही लगा के ले आए,
ठीक है। तो वो क्यों बर्फ बना रहता है, क्यों गर्म बना रहता है, तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। एक सिद्धांत है फिजिक्स में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। ऊर्जा संरक्षण मतलब जो जितनी ऊर्जा उसमें भेजी है उस बॉडी में उतनी ऊर्जा बनी रहे, उसमें ह्रास ना हो, ह्रास भी हो तो बहुत कम हो, तो उसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे एक बोतल बनाएंगे, देखो कोशिश करते हैं, क्या बन गया, मटका बन गया। अच्छा चलो मटका नहीं बनाते हैं, बोतल बनाते हैं, पतला बनाए, थोड़ा सा पतला, अब है बोतल, ठीक है। ये तो अभी बोतल नहीं है, अब ये तो बोतल का बाहरी आवरण है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मतलब बड़ा बनाते हैं, ये बोतल बन रहा है। हाँ मटका नहीं है, देख अभी देखिए, अब बोतल ही बनेगा, मटका नहीं बनेगा, लेकिन ये अचार रखने वाला वो बन गया है, अचार दानी बन गया है, ठीक। जो थर्मस होता है, थर्मस कुछ इस डिजाइन में बना होता है, अंदर जो है मतलब बाहर जो हमको दिखाई देता है वैसा होता नहीं थर्मस, अंदर से उसको और डिजाइन किया जाता है, अंदर जो है बाहर तो एक दीवार होती है, ठीक है, अंदर उसके दो जो है कांच की दीवार होती है, अंदर दो कांच की दीवार होती है, एक तो ये एक परत ये हो गई कांच की और एक परत ये हो गई कांच की, ठीक है। तो दोहरी दीवार होती है, इसको कैसे बोलेंगे, दोहरी दीवार, और काहे की बनी है ये, कांच की बनी है, ठीक है, कांच की दोहरी दीवार होती है अंदर साइड में, और इसमें जो है इस बीच में जो गैप होता है, इस गैप से हवा निकाल दी जाती है, तो इसको रखा जाता है वैक्यूम निर्वात, बीच से हवा को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो इसको रखा जाता है निर्वात। और जो ये दीवार है, ये बाहरी दीवार है, जो जैसा हम बाहर देखते हैं, तो इसको कर दिया जाता है सिल्वर से जो है कोटेड, इसको सिल्वर कोटेड बना दिया जाता है, कैसे, सिल्वर कोटेड, अर्थात चांदी का लेप लगा देते हैं, चांदी का इस पर लेप लगा देते हैं। और जो अंदर की दीवार है पहली वाली, इस दीवार के बाहर साइड में, यहां भी क्या कर देते हैं, सिल्वर कोट लगा देते हैं, सिल्वर चांदी की परत लगा देते हैं, यानी बाहरी दीवार के अंदर साइड में और अंदरी दीवार की जो पहली दीवार है उसके बाहर साइड में सिल्वर कोट लगा देते हैं। आप देखना झांक करके, उसमें चमकता हुआ दिखाई दे, तो ये सिल्वर कोट लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ भर देते हैं जो है वो भर देते हैं, क्या नाम है, इंसुलेटर टाइप का, क्या आपने देखा होगा जब फोड़ो थर्मस वगैरह तो उसमें निकलता है थर्माकोल निकलता है ना, थर्माकोल वगैरह, तो वो इंसुलेटर का काम करता है। तो यहाँ पे भर देते हैं थर्माकोल जैसे, इंसुलेटर भर देते हैं पूरा। अब जब इसमें पानी भरोगे, गर्म पानी भरोगे, भाई इसको निर्वात कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, निर्वात, और निर्वात में अब कोई कॉन्टेक्ट मिलेगा नहीं, ना तो सम्मान से गर्म हो पाएगा, ना ही वो मतलब ना ही सम्मान से ठंडा हो पाएगा, ना गर्म हो पाएगा, ना ही चालन से हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांच का परत लगा दिया गया, और कांच भी जो है उष्मा को उतना ही उतना बनाए रखती है, वो भी उष्मा का जो है अवरोधक है एक तरीके से कांच भी। और उसके अलावा जो बाहर से सिल्वर कोटेड लगा दिया गया, तो इसकी वजह से उष्मा जितनी थी उतनी बनी रही, दोनों साइड में लगा दिया गया ना, इधर भी सिल्वर लगा दिया, इधर भी सिल्वर, तो इसने उष्मा का उत्सर्जन किया, उधर से उष्मा का उत्सर्जन हुआ, तो दोनों उष्मा बराबर बराबर बनी रही, टकरा टकरा करके जो उष्मा थी वो जितनी थी, पानी अगर ठंडा है तो उतनी उष्मा होगी, तो उष्मा उतनी बरकरार रहेगी। और यहाँ पर जो है अंदर एक कॉर्क लगा दिया जाता है, अंदर एक ढक्कन होता है जो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है, अगर मान लो ढक्कन को ज़्यादा समय तक खोल के रखोगे तो ये गर्मी बाहर निकल जाएगी, तो पानी जो है अगर आपने गर्म रखा है तो ठंडा हो जाएगा, अगर ठंडा रखा है तो बाहर का टेम्परेचर उसमें पहुंच जाएगा तो गर्म हो जाएगा, यानी बाहरी वायुमंडलीय टेम्परेचर से अगर टच हो गया तो पानी जिस रूप में रखा था उस रूप में नहीं रह जाएगा। तो थर्मस फ्लास्क जो है इस विधि से काम करता है, यानी बीच में दोहरी दीवार करके बीच में वैक्यूम कर दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक इंसुलेटर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कण एक दूसरे जो कण है वो गर्म होकर के एक दूसरे को नहीं टच कर पाते हैं, तो चालन विधि भी नहीं यहाँ पर काम कर पाती है। तो इसलिए पानी जितना गर्म रहता है, इसलिए अच्छी कंपनी का आप जब थर्मस लाते हो तो उसमें अच्छी तरीके से इस वैज्ञानिक विधि से उस थर्मस को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, और लंबे समय तक पानी गर्म रहेगा या ठंडा
गर्मी के समय भी पानी ठंडा रहता है। अब चिलपुटिया टाइप की आप ले जाओगे थर्मस, तो उसमें जो है घटिया क्वालिटी का ये मटेरियल लगा देते हैं, बस वो उसमें जो है पानी जल्दी से ठंडा हो जाएगा, या गर्म है तो जो है ठंडा, गर्म ठंडा है तो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप जैसे कौन सी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनी, हिल्टन मिल्टन क्या है सब नाम है, तो मिल्टन वगैरह का, मिल्टन हम तो एक बार लेके आए जो है मिल्टन का बच्चे के लिए, वो क्या नाम है खाना रखने वाला जो है लंच बॉक्स, और उस पर लिखा था मिल्टन, वो ठहरा नकली, उससे खाना ठंडा हो जाता है, तो ये इस विधि से बनाया नहीं गया है। तो इस तरीके से ऊर्जा संरक्षण, तो यहाँ से प्रश्न आता है जो थर्मस फ्लास्क है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, और थर्मस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे ऊष्मा का जो है संरक्षण रहता है, ऊष्मा ना तो वहाँ से निकलती है, जितनी भेजी गई उतनी ऊष्मा उसकी बनी रहती है, एक मतलब एक निश्चित समय के लिए, अगर 15-20 घंटे की उसकी क्षमता है तो उतने समय तक ऊष्मा उसमें बनी रहेगी, फिर बाद में उसके अणु खुद ढीले पड़ जाएंगे, खुद ढीले पड़ जाएंगे और कहेंगे खत्म। तो इस तरीके से ये टॉपिक जो है ऊष्मा का संचरण, समझ में आया, कोई दिक्कत? चालन कौन सी विधि से, मतलब चालन में कैसे होता है, कोई समझाए प्रक्रिया चालन की? हाँ, अणु कंपन करते हुए एक दूसरे अणुओं को गर्म करते हैं, और संवहन में, संवहन ठोस में होता है या खाली द्रव में? द्रव और गैस। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, संवहन केवल ठोस में होता है, केवल द्रव में होता है, केवल गैस में होता है, और डी में दिया रहेगा द्रव और गैस दोनों में होता है। ठोस दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक ऑप्शन तो सही देगा ना, तो दे देगा डी में, द्रव और गैस दोनों में होता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न के दृष्टिकोण से हमेशा प्रश्न बना बना करके पढ़ा करो, तो एग्जाम में जो है एग्जामिनर बनाने वाला प्रश्न कैसा भी बनाएगा और आप उत्तर कर सकते हो आसानी से। ठीक, प्रश्न तो एक ही दो आते हैं, लेकिन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, जिससे कि जो है कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा कर बनाए, और वो फारेनहाइट सेल्सियस वाला निकालना सीख लेना, उससे प्रश्न आते हैं, कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को फारेनहाइट में, सेल्सियस को केल्विन में। ठीक है, केल्विन वाला तो बहुत आसान है, केल्विन वाला बहुत आसान है भाई, जो आपका सेल्सियस है वो 0 डिग्री न्यूनतम बिंदु है और 100 डिग्री मैक्सिम अधिकतम बिंदु है, और फॉरेनहाइट में 32 डिग्री न्यूनतम बिंदु है और 212 डिग्री अधिकतम बिंदु है, और केल्विन में 273.15 पूरा याद रखो न्यूनतम बिंदु है, और 373.15 अधिकतम बिंदु है, और परम ताप यानी उस ताप से नीचे किसी वस्तु का तापमान नहीं हो सकता है, तो परम ताप केल्विन में 0 डिग्री होता है, केल्विन में 0 परम ताप होता है, और फॉरेनहाइट में 460 और सेल्सियस में -273, और इसमें भी -460 होता है, माइनस में होता है। ठीक, तो ये जो है बेसिक चीजें हैं, इनको याद रखना।